दोस्तों, माय नेम इज़ विपिन वर्मा, वेलकम बैक इन लर्निंग एग्री। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कुछ नए एमसीक्यू के साथ जो एजीटी एंड अदर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें प्लीज़। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो हम आप सबके लिए डेली प्रोवाइड करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, लीफ रस्ट निम्न में से किस फसल में लगता है? इसका राइट आंसर होगा गेहूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, अरहर का सबसे घातक कीट है? इसका राइट आंसर होगा फली छेदक। थर्ड क्वेश्चन है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है? इसका राइट आंसर होगा 14। काबुली चने का गुणसूत्रों की संख्या है? इसका राइट आंसर होगा 16। निम्नलिखित में से किस फसल में हाइपोजीएल प्रकार का अंकुरण होता है? इसका राइट आंसर होगा चना। पीत सीरम मोज़ेक का कारण है? इसका राइट आंसर वायरस जनित। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज जनित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आलू का मोज़ेक। मसूर किस ऋतु की फसल है? इसका राइट आंसर होगा रबी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली दलहनी फसल है? इसका राइट आंसर होगा मोट। मूंग की कतार से कतार एंड पौध से पौध की आदर्श दूरी होगी? इसका राइट आंसर 30×10 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा फल शीतोष्ण जलवायु से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अखरोट। मटर के लिए आदर्श पीएच है? इसका राइट आंसर होगा 6 से 7.6। काबली चने की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 100 से 125 किलोग्राम। बेर में प्रूनिंग का उपयुक्त समय है? इसका राइट आंसर होगा अप्रैल से मई। नींबू की गमोसिस बीमारी का कारण है? इसका राइट आंसर होगा फफूदी। उड़द की प्रति हेक्टेयर बीज दर है? इसका राइट आंसर होगा 15 से 20 किलोग्राम। मूंग में प्रोटीन की प्रतिशत है? इसका राइट आंसर होगा 23%। मोट का बुआई का समय है? इसका राइट आंसर होगा जुलाई से अगस्त। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। सरसों की फसल में आरा मक्खी कौन सी अवस्था में हानि पहुंचाती है? इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक अवस्था। उड़द में कार्बोहाइड्रेट प्रतिशत पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 60%। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है जो पौधों को प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर होगा क्राउन गेल। निम्नलिखित में से वंडर फसल किस फसल को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा सोयाबीन। गेहूं का अनावृत कंड रोग का प्रकार है? अंता बिजोड़। हिसार माधवी किसकी किस्म है? इसका राइट आंसर होगा जीरा। अर्कासील किसकी किस्म है? इसका राइट आंसर होगा बैगन। WCC75 किसकी किस्म है? इसका राइट आंसर होगा बाजरा। अर्का अनन्या किसकी किस्म है? इसका राइट आंसर होगा टमाटर। कार्बेंडा जिम एक है? इसका राइट आंसर होगा कवकनाशी। भारत में विनाशी कीट एवं नाशक जीवी अधिनियम DIP एंड DIP एक्ट, इसका फुल फॉर्म होगा डिजीज इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, कब पारित हुआ? 1914 में। प्रकाशपाश का उपयोग किस कीट के नियंत्रण में सहायक है? इसका राइट आंसर होगा चने का फल छेदक। भयाकुल का समय विग्रह क्या है? भय से आकुल, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर होगा धरुड़ बार, धनु बार। चंद्रचूड़ सामाजिक पैर पर मैं कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीय समास। स्वर्ण घटक का विग्रह होता है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण का घटक। आत्मविश्वास का समास विग्रह क्या होगा? आत्मा पर विश्वास। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है थार पारकर में। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है थार पारकर में। विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है? इसका राइट आंसर होगा मेरिनो। शरीर हष्टपुष्ट चेहरा भारी किस नस्ल की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेरी की। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका राइट आंसर होगा टॉक। नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थान है? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर का उत्तरी पूर्वी भाग। भारत की सबसे भारी गाय की नस्ल है? इसका राइट आंसर होगा काकरेज। भारत में मान्यता प्राप्त भेड़ों की नस्ल है 40। इनमें से किन ऊन वाली नस्ल है? राइट आंसर होगा नाली। कोरेडेल किस पशु की नस्ल है? इसका राइट आंसर होगा भेड़। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा सोनाड़ी। इनमें से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है? इसका राइट आंसर होगा राठी।
भारत में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन वाला राज्य है? राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में गिर गाय का अन्य नाम है, इसका राइट आंसर होगा रेडी। किस नस्ल का शरीर त्रिकोणाकार होता है? इसका राइट आंसर होगा होल्स्टीन फ्रीजियन का। फुर्तीला एवं लंबा सफ़र तय करने वाली नस्ल है, इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ी। राजस्थान में चोकला भेड़ कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा शेखावाटी क्षेत्र में। मालवी गाय किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़, बांसवाड़ा, झालवाड़ा। नींबू में लिटिल लीफ रोग का कारण होता है? कॉपर की कमी से, इसका राइट आंसर होगा। डॉकस कैराटा किसके वनस्पतिक नाम है? इसका राइट आंसर होगा गाजर। सरोज का संधि विच्छेद होगा श्राधन ज, इसका राइट आंसर होगा। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना। तीर मारना का अर्थ है बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा पास रखकर दुख देना। अनाज का कुल है, इसका राइट आंसर होगा ग्रेमनी। निम्नलिखित में से एक वर्षीय खरपतवार है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी कृष्णनील सत्यानाशी प्याजी। निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी फसल की बुआई के पूर्व मृदा में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए? फ्लोक्लोरीन का, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक बीजपत्री खरपतवार है, इसका राइट आंसर होगा सभी घास मोथा दूब घास। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री खरपतवार है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी मकोई हिरणकुरी बदुआ, ये सब द्विबीजपत्रियाँ हैं। निम्नलिखित में से नकलची खरपतवार है जंगली धान, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्षारीय भूमि का खरपतवार है, इसका राइट आंसर होगा सैंची। गेहूं की खड़ी फसल में गेहूंसा नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी है, इसका राइट आंसर होगा आइसोप्रोटीयुरान। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार का वर्गीकरण किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी एक वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। निम्नलिखित में से चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मूंग की किस्म है? मुक्त, सरौदा, लक्ष्मी, सुनैना, इसमें राइट आंसर होगा सुनैना। चना में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है, इसका राइट आंसर होगा फ्लोक्लोरीन 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। विजय किसकी किस्म है? ये राइट आंसर होगा चना की। काबली चना की प्रति हेक्टेयर बीज दर होगा 100 से 125 किलोग्राम। जड़िया किस फसल की किस्म है? ये इसका राइट आंसर होगा अरहर। पीतसरा मोज़ेक का कारण है, इसका राइट आंसर होगा वायरस जनित। मसूर किस ऋतु की फसल है? इसका राइट आंसर होगा रबी। मटर का प्रमुख कीट है, इसका राइट आंसर होगा फली छेदक। निम्नलिखित में से चना मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त फसल चक्र है, इसका राइट आंसर होगा एक और दो दोनों सही है, चना प्लस सरसों, चना प्लस गेहूँ। मटर के बीजों को बोने की गहराई है 4 से 5 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर होगा। ब्रेस्का नाइग्रा का स्थानीय नाम है, इसका राइट आंसर होगा बनारसी राई। सूरजमुखी के फूलों के बीजों को थोथा से होने से बचाने का उपाय है, इसका राइट आंसर होगा फूलों को प्रातः काल नरम कपड़ों से रगड़ना। कैल्शियम की यदि मूंगफली के खेत में कमी हो तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? तो इसमें अधिकालीन क्रिया प्रभावित होगी, इसका राइट आंसर होगा चंबल, शिखा, त्रिवेणी एवं किरण किसकी किस्म है? इसका राइट आंसर होगा अलसी। मूंगफली में पैकिंग क्रिया बुआई के लगभग कितने दिनों बाद प्रारंभ हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा 55। चना में खरपतवारों को रासायनिक नियंत्रण हेतु वेसलिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस किस्म में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फसल बुआई से पूर्व। तराई मृदा में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा कॉपर। डॉट डॉट का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंटोरियस है, इसका राइट आंसर होगा कुसुम। निम्नलिखित में से अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है, इसका राइट आंसर होगा गॉसिपियम बारबाडेंस। जीवन वृत्त के आधार पर बथुआ किस प्रकार का पौधा है? इसका राइट आंसर होगा एक वर्षीय। निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक धनायन विनायन विनिमय क्षमता वाली मृदा है? इसका राइट आंसर होगा मृतका दोमट। निम्न में चारा फसलों में से कौन सी फसल नाइट्रोजन संचित करती है? इसका राइट आंसर होगा बरसीम। निम्न में कौन सी फसल कम तापमान में सबसे अधिक प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर होगा सरसों। भू परिष्करण के कारण मृदा के स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा स्थूल घनत्व घट जाता है। मटर की बीज दर कितनी
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसका राइट आंसर होगा 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु की सर्वाधिक सक्रियता किस ताप पर होती है? इसका राइट आंसर होगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था में ज़्यादा होती है तो फसल बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वह मृदा कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा लवणीय मृदा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली गेहूँ की प्रजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ट्रिटिकम इस्टिवम। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।